डियर स्टूडेंट्स आई एम यासीन योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर फॉर क्लास नाइन्थ आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर फाइव स्टार्ट करेंगे जो कि एम्बीगुस केस से रिलेटेड है और इसके तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन की तरफ आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज सेवनटीन का क्वेश्चन नंबर फाइव स्टार्ट करेंगे तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ एम्बीगुस केस कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा एम्बीगुअस केस से रिलेटेड है जो हम एक्सरसाइज सेवनटीन पॉइंट वन से पहले डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स हमने उसमें ये डिस्कस किया था कि एम्बीगुस केस में हमारे पास तीन कंडीशन होती हैं फर्स्ट कंडीशन इज कि हमारे पास गिवन डेटा से दो ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट होंगी सेकेंड कंडीशन इज कि हमारे पास गिवन डाटा से कोई एक ट्राएंगल कंस्ट्रक्ट होगी एंड थर्ड कंडीशन इज कि हमारे पास कोई भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगी तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी हमारे पास तीन पार्ट्स हैं जिसमें हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू देखेंगे कि हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो चलते हैं पार्ट वन की तरफ दैट इज मयर लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वस टू फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर मयर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्व टू फाइव पॉइंट टू सेंटीमीटर एंड मैयर एंगल बी इज इक्व टू फोर्टी फाइव डिग्री और स्टूडेंट्स आपकी बुक में क्वेश्चन के आगे ये मेंशन है कि टू ट्राइंगल्स कि हमारे पास इसमें दो ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट होंगी अब हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये वेरीफाई करेंगे कि गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास दो कर... ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट हो सकती हैं या नहीं तो इसके लिए सबसे पहले हम गिवन मेंशन करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी मयर लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल टू फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर मयर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू फाइव पॉइंट टू सेंटीमीटर एंड मयर एंगल बी इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री और हमें रिक्वायर्ड है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राएंगल ए बी सी तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ जिसके लिए सबसे पहले हमें ट्राइंगल के लिए बेस लाइन ड्रा करनी है जो हम लाइन सेगमेंट ए बी को कंसीडर करेंगे तो स्केल लेंगे और 5.2 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर देंगे जिसके एक एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट ए और सेकंड एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट बी और इसकी लेंथ मेंशन कर देंगे दैट इज 5.2 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें एक एंगल गिवन है दैट इज फोर्टी फाइव डिग्री जो हमें पॉइंट बी पे ड्रा करना है तो उसके लिए हमें नाइन्टी डिग्री एंगल रिक्वायर्ड है तो पहले हम नाइन्टी डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे और देन फोर्टी फाइव डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कंपस लेंगे और रखेंगे पॉइंट बी पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रा कर देंगे अब कंपस को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और एक और आर्क ड्रा करेंगे इसी आर्क पे जो शो करेगी सिक्सटी डिग्री एंगल को अब कंपस को रखेंगे इस सिक्सटी डिग्री वाले पॉइंट पे और फर्स्ट आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो शो करेगी वन ट्वेंटी डिग्री एंगल को अब सिक्सटी डिग्री और वन ट्वेंटी डिग्री की हेल्प से हम नाइनटी डिग्री एंगल करेंगे तो उसके लिए कंपस को पहले रखेंगे डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर साइड पे एक आर्क ड्रा कर देंगे अब कंपस को रखेंगे 120 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर साइड पे एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को आप स्केल लेंगे और पॉइंट बी से एक डॉटेड लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से और ये लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे फर्स्ट आर्क को कट कर रही है वो बेसिकली हमारा 90 डिग्री वाला पॉइंट होगा तो स्टूडेंट्स आप कंपस लेंगे और रखेंगे फर्स्ट आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर है और एक आर्क ड्रा कर देंगे अब कंपस को रखेंगे 90 डिग्री वाले पॉइंट पे और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को अब स्केल लेंगे और पॉइंट बी से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से। बेसिकली वर्टेक्स बी एंगल की टर्मिनल साइड को शो कर रही है अब यहाँ पे जो एंगल बना है उसको मेंशन कर देंगे 45 डिग्री और इस रे के सेकेंड एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट डी सो दैट बी डी इज द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल बी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें एक और साइड की लेंथ गिवन है दैट इज लाइन सेगमेंट जो कि है सेंटीमीटर तो उसके लिए स्केल लेंगे और कंपस को स्केल पे रखते हुए सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे ओपन करने के बाद कंपस को रखेंगे पॉइंट ए पे और टर्मिनल साइड बी डी के ऊपर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जो इसको दो पॉइंट्स पे कट करेगी स्टूडेंट्स इस रे ने जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट बी डी को कट किया है उसके फर्स्ट पॉइंट पे मेंशन कर देंगे सी और दूसरे पॉइंट पे मेंशन कर देंगे सी प्राइम अब स्केल लेंगे और ए को ज्वाइन कर देंगे सी के साथ और ए को ज्वाइन कर देंगे सी प्राइम के साथ और इन दोनों लाइन सेगमेंट्स की लेंथ मेंशन कर देंगे दैट इज 4.2 सेंटीमीटर तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने देखा कि हमारे गिवन डाटा से हमारे पास दो ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं दैट इज ट्राइंगल ए बी सी

लाइन सेगमेंट बी डी इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स सी एंड सी प्राइम जॉइन एसी एंड एसी प्राइम हेंस ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी प्राइम आर रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये देखा कि हमारे पास गिवन डाटा के अकॉर्डिंग दो ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट हो रही थी तो इसमें हमारी एम्बिग्युअस केस की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई है आई होप आपको ये क्लियर है अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट टू की तरफ दैट इज़ मयर लाइन सेगमेंट बी सी इज़ इक्वस टू टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर मयर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वस टू फाइव सेंटीमीटर एंड मयर एंगल ए इज़ इक्व टू थर्टी डिग्री तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में भी हमें दो साइड्स की लेंथ गिवन है और एक एंगल गिवन है और हमें बुक में ये मैंशन कर दिया गया है कि वन ट्राइंगल कि हमारे पास एक ही ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी तो अब हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास वन ट्राइंगल वाली कंडीशन फुलफिल होगी या नहीं तो इसके लिए सबसे पहले हम मैंशन कर देंगे गिवन को इन ट्राइंगल ए बी सी मैयर लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्व टू टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर मयर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्व टू फाइव पॉइंट जीरो सेंटीमीटर एंड मैयर एंगल ए इज इक्व टू थर्टी डिग्री और हमें रिक्वायर्ड है टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी तो अब हम मूव करते हैं डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ जिसके लिए सबसे पहले हमें एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है दैट इज मयर लाइन सेगमेंट ए बी तो उसके लिए स्केल लेंगे और फाइव सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर देंगे इस लाइन सेगमेंट के एक एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट ए और सेकेंड एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट बी और इसकी लेंथ मेंशन कर देंगे फाइव सेंटीमीटर अब हमें पॉइंट ए पे थर्टी डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए कंपस लेंगे और रखेंगे पॉइंट ए पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रा कर देंगे अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को अब कंपास लेंगे और फर्स्ट आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे रखेंगे जहां पे बेसिकली जीरो डिग्री होगा और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे अब कंपास को 60 डिग्री वाले पॉइंट पे रखेंगे और एक और आर्क ड्रा कर देंगे जो इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को अब स्केल लेंगे और पॉइंट ए से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्कस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से स्टूडेंट्स ये रे बेसिकली एंगल ए की टर्मिनल साइड को शो कर रही है और इसके दूसरे एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट एक्स और इस एंगल ए को मेंशन कर देंगे थर्टी डिग्री तो इस तरह से हमने थर्टी डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है अब हमें सेकेंड साइड की लेंथ गिवन है दैट इज टू सेंटीमीटर तो स्केल लेंगे और कंपस को टू सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे और रखेंगे पॉइंट बी पे और 2.5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रा करेंगे जो टर्मिनल साइड ए एक्स को एक पॉइंट पे कट करेगी तो स्टूडेंट्स ये आर्क जिस पॉइंट पे टर्मिनल साइड को टच कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट सी तो इस तरह से ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल जिसमें लाइन सेगमेंट बी सी की लेंथ मेंशन कर देंगे टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो हमने गिवन डाटा के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट कर लिया है और हमने देखा कि यहाँ पे एक ही ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो रही है यानी कि एम्बिग्वस केस की सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को मैंशन कर देंगे फर्स्ट स्टेप इज टेक मैर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर एट द एंड पॉइंट ए ऑफ़ लाइन सेगमेंट ए बी मेक मैर एंगल ए इज़ इक्व टू थर्टी डिग्री विद बी एस सेंटर एंड रेडियस टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क विच टचिस बी सी सो ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इसका पार्ट टू भी सॉल्व कर लिया है जिसमें एम्बिगुस केस की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुई दैट इज वन ट्रायंगल अब हम मूव करते हैं पार्ट थ्री की तरफ मयर लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर मयर लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड मयर एंगल बी इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में भी हम गिवन डेटा से देखेंगे कि हमारे पास टू ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट होंगी वन ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी या कोई भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगी तो इसके लिए मैंशन करेंगे गिवन को मयर लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर मयर लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्व टू थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड मयर एंगल बी इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री और हमें रिक्वायर्ड है टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी इफ़ पॉसिबल स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इफ़ पॉसिबल का वर्ड इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमें मैंशन नहीं है कि वन ट्राइंगल है या टू ट्राइंगल है तो हमारे पास थर्ड कंडीशन यही है कि इट माइट बी पॉसिबल कि कोई भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट ना हो तो अब हम मूव करते हैं डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ जिसके लिए सबसे पहले हम एक बेस लाइन ड्रा करेंगे दैट इज़ मैयर लाइन सेगमेंट बी सी उसके लिए स्केल लेंगे और फाइव सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर देंगे अब इस लाइन सेगमेंट के एक एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे बी और सेकेंड एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे सी और इसकी लेंथ मेंशन कर देंगे दैट इज़ फाइव सेंटीमीटर नेक्स्ट हमें पॉइंट बी पे 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए कंपस लेंगे और रखेंगे पॉइंट बी पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रा कर देंगे अब कंपस को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और एक और आर्क ड्रा करेंगे जो कट करेगी फर्स्ट आर्क को और शो करेगी 60 डिग्री एंगल को अब स्केल लेंगे और पॉइंट बी से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी 60 डिग्री एंगल वाले पॉइंट में से और इस रे के दूसरे पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट एक्स और एंगल बी को मेंशन कर देंगे सिक्सटी डिग्री तो इस तरह से हमने डिग्री एंगल भी कंस्ट्रक्ट कर लिया है नेक्स्ट हमें एक और साइड की लेंथ गिवन है दैट इज थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो स्टूडेंट्स उसके लिए स्केल लेंगे और कंपस को स्केल पे रखते हुए थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे ओपन करने के बाद कंपस को रखेंगे पॉइंट सी पे और 3.5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि ये आर्क टर्मिनल साइड बी एक्स को किसी भी पॉइंट पे ना टच कर रही है और ना ही इंटरसेक्ट कर रही है तो इस केस में हमारे पास कोई भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगी तो ये हमारी एम्बिगुअस केस की थर्ड कंडीशन है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कोई भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगी तो अब हम मेंशन कर देंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को तो फर्स्ट स्टेप इज टेक मयर लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर एट द एंड पॉइंट बी ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी मेक मयर एंगल बी इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री विद सी एज सेंटर एंड रेडियस थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क विच डज नॉट टच और इंटरसेक्ट रे बी एक्स एट एनी पॉइंट सो ड्रा एंगल ए बी सी इज नॉट पॉसिबल तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने एम्बिगुअस केस के तीनों कंडीशन को डिस्कस कर लिया है और क्वेश्चन नंबर फाइव को भी कंप्लीट कर लिया है और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज सेवेंटीन पॉइंट वन भी कंप्लीट हो चुकी है आई होप आपको ये तमाम क्वेश्चंस और तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हमने एक्सरसाइज में यूज किए हैं वो क्लियर हैं डेट सेट तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज सेवनटीन का लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व कर लिया है जिसमें हमने एम्बिगस केस को डिस्कस किया और उसके तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया आई होप आपको ये तमाम क्वेश्चंस क्लियर हैं See you in the next lecture. Allah Hafiz.